INDIA जीता तो कौन दिलाएगा पुरानी पेंशन योजना, घोषणा पत्रों में सबके अलग अलग वादे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का दौर शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष हैं। बड़े विपक्षी दल अपना घोषणा पत्र भी जारी कर चुके हैं। अब खास बात है कि चुनावी मैदान में साथ नजर आ रहे विपक्षी गठबंधन INDIA दलों का लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन घोषणा पत्रों में बातें कई मुद्दों पर अलग अलग है। इनमें पुरानी पेंशन योजना, OPS, नागरिकता संशोधन कानून, CAA जैसे कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। अलग अलग हैं ऐलान। विपक्षी गठबंधन के 6 दलों के घोषणा पत्र सामने आ चुके हैं। खबर है कि विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस और DMK ने OPS पर चुप्पी साध रखी है, जबकि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, CPIM और CPI ने इसे बहाल करने का वादा किया है। इधर CAA पर कांग्रेस, सपा और राजद चुप है, लेकिन DMK, CPM और CPI ने इसे खत्म करने की बात कह दी है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर को लेकर 6 विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा और तत्काल विधानसभा चुनाव का वादा किया है। वहीं CPI ने विशेष दर्जे के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पर कांग्रेस का घोषणा पत्र शिक्षण संस्थानों तक सीमित है। इसमें कहा गया है कि निजी शिक्षण संस्थानों में SC ST और OBC को आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग के 5 के संदर्भ में कानून बनाएंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में सभी को प्रतिनिधित्व मिले। DMSA ने निजी क्षेत्र में नीतियां लागू करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की बात कही है। CPM और CPI ने SC ST, OBC और दिव्यांगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की बात कही है। इन मुद्दों पर सुर एक, विपक्षी गठबंधन के दल जातिगत जनगणना, अग्निपथ योजना को खत्म करने, MSP पर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को मानने पर साथ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस, सपा और CPM ने MSP पर लीगल गारंटी का भी वादा किया है। अब कांग्रेस और DMK ने MGNREGA के तहत मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करने की बात कही है। वहीं सपा ने 450 और CPI CPM ने 700 रुपये का आंकड़ा पेश किया है। DMK और सपा ने वादा किया है कि योजना के तहत काम के दिन बढ़ाकर 100 से 150 कर दिए जाएंगे। वहीं लेफ्ट इसे 200 दिन करने की बात कह रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।